आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, सरल कीजिए 3x² - x - 4/9x² - 16। क्लास 10 के एग्जाम में यूपी बोर्ड 2003 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको हल करते हैं। चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये व्यंजक दिया गया है, ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 है यहां पर और x स्क्वायर की इंटू में 3 है, तो पहले 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 तिया ही 12, और 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक। तो क्या होगा गुणनखंड, 3x² - 4 - 3, 4 में से अगर 12 के हम 4 तिया ही 12, ठीक है, 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अपान में 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x² - 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x² - यहाँ पर x² अंदर मल्टीप्लाई होगा, आगे माइनस है तो 4x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x - 4/ ये a² - b² के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 3x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइड में आप लिख दीजिए फार्मूला, a² - b² = a - b * a+b यूज किया है यहाँ पर, तो इतने में हम क्या कामा ले लेंगे, x, तो क्या होगा 3x - 4 + 1 कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 4/3x - 4 × 3x + 4, ठीक है। अब ऊपर यहाँ पर 3x - 4 है, यहाँ पर 3x - 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा x + 1 अपान नीचे 3x - 4 है और एक ब्रैकेट में 3x + 4 है, ऊपर 3x - 4 है, नीचे 3x - 4 है, कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x + 1/3x + 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।